प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक केस में उनकी गिरफ्तारी हुई है। एजेंसी ने पिछले महीने जैन परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की थी। इसका मूल्य 4.81 करोड़ रुपए था। ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के तहत अस्थायी रूप से यह कदम उठाया था। वर्ष 2018 में ईडी ने इस केस में आम आदमी पार्टी के नेता जैन से पूछताछ की थी। आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस गिरफ्तारी का तीखा विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ 8 साल से एक फर्जी केस चलाया जा रहा है। आइए यहाँ इस केस से जुड़े हर पहलू के बारे में जानते हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत पूरा आम आदमी पार्टी इसे फेक केस कहते हुए भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रही है, तो कभी केजरीवाल के खास रहे कुमार विश्वास ने भी फौरन तीखे शब्द बाण छोड़े हैं। कुमार विश्वास ने लिखा है, यह केस जब पहली बार आया था तो मैंने भरी पीएसी में सत्येंद्र जैन से जवाब मांगा था। मैंने कहा था कि निजी संबंध अपनी जगह पर इसका जवाब दो। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बकायदा वीडियो जारी कर तंज कसा, सबको सिखाते हैं ईमानदारी और हैशटैग एबीपी के मंत्री हैं हवाला कारोबारी। दिलचस्प यह है कि कुछ महीने पहले ही केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि उन्हें सूत्रों से जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करा सकती है। जैन की गिरफ्तारी पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद परवेज साहिब सिंह ने तंज करते हुए कहा है, दिल्ली सरकार भ्रष्टाचारियों का गढ़ बन चुकी है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री पहले ही भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का हवाला केस में गिरफ्तार होना साफ दर्शाता है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ है। सिंह ने कहा कि ईमानदारी का ढोंग रचने वाले अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री को ईडी ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी नेता हरीश खुराना ने कहा है कि ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। अब देखना है कि अरविंद केजरीवाल जैन को कब बर्खास्त करते हैं। हम तो पहले ही कहते आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का हाथ भ्रष्टाचार के साथ। अप्रैल महीने में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। इस दौरान दिल्ली में सत्तारूढ़ दल ने दावा किया है कि जैन बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। उनके खिलाफ मामला अदालत द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। उधर फरवरी में पंजाब चुनाव से पहले केजरीवाल ने दावा किया था कि उन्हें सूत्रों से पता चला है कि ईडी जैन को गिरफ्तार करने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।